हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्च 2020 के सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस हमें ये कोशिश करनी है पेन का यूज़ कम से कम करें और ब्रेन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमें ये दिया है एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का रेशियो दिया हुआ है, मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो अब देखिए, पेन चला के तो सभी निकाल सकते हैं, आपको बिना पेन चलाए ये कैलकुलेट करना है। देखिए स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, ये वाला 2:3:4। और हमें ये पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 डिग्री। हमें क्या करना है, 180 डिग्री को 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है और ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमने बेसिक्स की क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने ये डिस्कस करा है कि बिना पेन चलाए रेशियो में कैसे निकालते हैं। तो हम किस तरीके से निकालते हैं, रेशियो में डिवाइड करना है, रेशियो को ऐड कर लो, 4 3 7 2 9, ये ऐड करके आया 9, ऐसा मन में ऐड करना है। और 9 से कैंसिल आउट करें तो कितना आया 20, और 20 की सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के तीनों एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या करा, हमने रेशो को ऐड करा और जो भी ऐड करके आया कैंसिल आउट करा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास होगा 520, अगर 6:7 के रेशो में डिवाइड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, रेशो को ऐड करूँगा मन में, बहुत सिंपल है, 13 हो गया, 13 से कैंसिल करूँगा, 13 4 जा 52 40 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 240 और 280, 40 की दोनों से मल्टीप्लाई, पहले रेशो को ऐड करूंगा और ऐड करके जो आया कैंसिल आउट करूंगा मन में, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैंने रेशो को ऐड करा 9 से कैंसिल करा तो 20 की सबसे मल्टीप्लाई करी। लेकिन सबसे क्यों मल्टीप्लाई करना, हमें तो जो पूछा है हम केवल उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डिग्री। पेन चला के तो सभी निकाल सकते हैं, बात तभी बनने वाली है एग्जाम में जब आप बिना पेन चलाए कैलकुलेट करेंगे। आपको स्कूल वाले मेथड बिल्कुल छोड़ देने, क्योंकि ऑन एन एवरेज 30-40 सेकंड आपको ये क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है, तो बहुत ज़बरदस्त स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत टफ है। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करके एग्जाम देने के लिए आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको भी अपना लेवल वही रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, हमें दिया है 2 tangents, ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 2 tangents P and PB are drawn to a circle with center O from external point P। ये एक सर्कल बनाता हूँ मैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट P। अब इसमें आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री की थ्योरम्स वगैरह का आइडिया होना चाहिए, जो कि हमने अपनी ज्योमेट्री की क्लासेस में पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, पूरी थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करी हैं पूरा डिटेल में, एक एक टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करा है। तो हमें यह दिया है कि 2 tangents P and PB are drawn to a circle with center O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो हमने टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट हमने डिस्कस करा था, एक्सटर्नल पॉइंट से एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को टच करते हुए जाए, तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंट, जो सर्कल को टच करते हुए जाए लाइन वो टेंजेंट होती है। कट करते हुए अगर जाती है लाइन तो उसे बोलते हैं सीकेंट, ये पूरा हमने डिस्कस करा हुआ है। तो हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से, हमने ये भी डिस्कस करा था मैक्सिमम 2 tangents खींची जा सकती है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में। तो अब PA PB 2 tangents है, जहां A क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये भी हमने थ्योरम डिस्कस करी थी डिटेल में ज्योमेट्री में, कि कोई भी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसे सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अब हमें दिया है OAB, तो ये O है, OAB ये वाला एंगल दिया हुआ है, OAB इस 30 डिग्री, एंगल APB निकालना है, ये अगर ज्वाइन करेंगे ये 30 डिग्री दिया हुआ OAB, हमें निकालना है APB ये वाला एंगल। तो देखिए, अब एक तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों के चारों एंगल का सम आता है 360 डिग्री। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल को जोड़कर 90 90 180 तो आ ही गया है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल O 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि A और B इस पूरे में देखें तो A और B ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर के साथ ज्वाइन करें तो वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है, हमने ज्योमेट्री में पूरा डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो जब ये 90 90 180 हो गया तो इनको भी जोड़ के 180 आना चाहिए, क्योंकि चारों को जोड़ के तो हमारा 360 आता है, ठीक है, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। हमें एंगल P कैलकुलेट करना है, O की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। अब O की वैल्यू हम इसको मैं अलग से बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक ही चीज़ में
ओवरलैपिंग होगा तो थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसा बनाया, ये दिया हुआ 30 डिग्री। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये है रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी हमने ज्योमेट्री में डिस्कस करा था आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये दो, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, दो साइड्स इक्वल हो गई आपस में, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये इक्वल साइड है ना, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके सामने 30 है तो इसके सामने भी 30 होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर्टीज, टर्मिनोलॉजीज, थ्योरम्स वगैरह, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, और ये हमने ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में 12-13 सेशन हमने करे हैं, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, और हमें तो एंगल ओ निकालना है ताकि पी आ जाए, तो अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के तो 180 आता है, इन दो को जोड़कर तो 60 डिग्री आ ही गया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 120 डिग्री होगा, तो एंगल ओ जो है 120 डिग्री होगा, ये है 120 डिग्री, तो एंगल पी कितना हो जाएगा, 120, 180 से माइनस हो जाएगा, इधर 60 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे काफ़ी जल्दी वो निकाल सकते हैं, बस आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक और है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में जब दो टेंजेंट खींचते हैं तो पी ए पी बी इक्वल होता है, हालांकि उसका यहाँ पर यूज़ नहीं है, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में जो दो टेंजेंट खींचते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, ये आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करें तो वो जो लाइन है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है हमेशा, ये भी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो वही हमने यहाँ पर यूज़ करा है। उसके अलावा हमने यूज़ करा आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये भी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है, अगर आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए ज्योमेट्री को कभी भी मिस नहीं करना है, घर में प्रैक्टिस करनी है जम के, ज्योमेट्री का सही तरीका आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री करने का। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, ए बी सी इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क, ये दिया हुआ 2016 और 30 डेज रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अगर स्कूल वाले मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो हमने डिस्कस करा था इसको करने का तरीका हमारा होगा, हम प्रैक्टिकली सोचेंगे, हम टोटल वर्क को कुछ एज्यूम कर लेंगे, इसको हम नाम दे सकते हैं एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड, हम टोटल वर्क को क्या एज्यूम करेंगे, इन तीनों का एलसीएम, पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले 30 को छोड़ दो, इन दोनों में बच्चों की तरह एलसीएम नहीं निकालना, ये भी हमने पूरा डिस्कस करा है नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो बच्चों की तरह कभी एलसीएम नहीं निकालना, जो बच्चों की तरह एलसीएम निकालता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर देखना है जो दोनों की टेबल में जाता हो, ठीक है, तीनों को भी एक साथ ले सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो मैं क्या करूंगा, 20 की टेबल को घुमाऊंगा और ऐसा नंबर सोचूंगा जो 16 से भी कैंसिल होता हो, 20 की टेबल में पहले 20 आता है वो 16 से कैंसिल होता नहीं, 20 की टेबल में फिर 40 आता है वो भी 16 से कैंसिल होता नहीं, 20 की टेबल में 60 आता है वो भी 16 से कैंसिल होता नहीं, फिर 20 की टेबल में आता है 80 वो 16 से कैंसिल होता है, तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम हो गया 80, 20 और 16 का एलसीएम हो गया 80, क्योंकि मैंने क्या करा 20 की टेबल को घुमाया और 20 की टेबल में ऐसा नंबर देखा जो 16 से कैंसिल होता है तो 80 होता है। अब 80 और 30 में हमारा एलसीएम क्या होगा, क्योंकि अब ये देखिए कि यहाँ तो कॉमन फैक्टर आ रहा था, हमें टेबल घुमाने की ज़रूरत क्या है, जब नंबर छोटे हों सिंपल हों तो कॉमन फैक्टर जब कुछ आ रहा हो तो टेबल घुमा सकते हैं, यहाँ पर कॉमन फैक्टर केवल 10 है। अगर आप 8 और 3 का एलसीएम निकालना हो केवल 8 और 3 का, तो इनमें कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं, तो जिनका कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता उनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है, 83 का एलसीएम 24 होता है, और क्योंकि जीरो भी है तो 240 इनका एलसीएम है, तो ऐसा कुछ एज्यूम कर लेंगे, मान लिया 240 चेयर्स बनाने का काम है या पेजेस टाइप करने का काम है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मान लिया मैंने ऐसा लिखा कि 240 पेजेस टाइप करने का काम था, ये टोटल वर्क एज्यूम कर लिया, क्योंकि यहाँ दिया ही नहीं है कि कंप्लीट अ टास्क, वो टास्क क्या है हमें पता ही नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका एग्जाम में यही होता है कि हम एज्यूम कर लें, ठीक है। तो टोटल वर्क 240 पेजेस,
बस हमें एलसीएम के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बहुत जल्दी से, 2-3 सेकंड लगने हैं, 240 पेजेस। अब हम ए का एक दिन का काम देखें, वन डे वर्क, ए का एक दिन का काम। तो ए एक दिन में, वन डे में, आपको समझना है एक दिन में, ए 20 डेज में 240, तो वन डे में क्या होगा, ए का अगर हम निकालेंगे तो 240/20 तो 12 आएगा, बी का अगर हम निकालेंगे 240/16 ये आ जाएगा 15, 240 को 16 से डिवाइड करा, एक दिन का काम, क्योंकि बी जो है 16 डेज में 240 पूरा कंप्लीट काम कर लेता है ना, कंप्लीट है टास्क, टास्क तो ये अज्यूम करा हुआ है। सी का अगर हम देखें तो सी का आ जाएगा 8, ये एक दिन का काम है, एक दिन में इतने इतने पेजेस ये टाइप करते होंगे, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है जैसे रियल लाइफ में होता है, बिल्कुल उस तरीके से चलना है। अब हमारे पास क्या दिया है, इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द टास्क दे वर्क फॉर 4 डेज। अब ए और बी ने काम स्टार्ट करा तो दोनों साथ में करेंगे तो वन डे में 27 करेंगे, 15/12/27 है ना, ए 12 पेजेस टाइप कर देगा, अब बी उसका दोस्त 15 पेज टाइप कर देगा, शाम को ए बी से पूछेगा कि भाई तूने कितने करे, वो बोलेगा 15, बी ए से पूछेगा तूने कितने करे, वो बोलेगा 12, तो बोलेंगे हम दोनों ने मिलकर तो 27 कर लिए, 27 कर लिए है ना, और दोनों रोज 4 दिन तक आएंगे तो 27 × 4 108 पेजेस तो हो जाएंगे 4 दिन में, 4 डेज में, ठीक है। ऐसा बोला हुआ है कि 4 दिन तक ए और बी दोनों ने काम करा, उसके बाद सी ने कंप्लीट करना है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग काम कितना होगा, टोटल काम तो 240 है ना, तो रिमेनिंग काम होगा 240 − 108, तो ये हो गया 132 पेज, ये रिमेनिंग काम है। इस रिमेनिंग काम को सी कंप्लीट कितने दिन में करेगा, ये तो बोला है देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय सी टू फिनिश द रिमेनिंग टास्क, तो रिमेनिंग टास्क जो है उसे डिवाइड कर देंगे सी के एक दिन के काम से, इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको 8, किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 3 बार आधा करना है, इसको 3 बार आधा करना है, इसका एक बार आधा करें तो कितना आया 66, एक और बार आधा करें तो कितना आया 33, एक और बार आधा करेंगे 33 का आधा 16.5 डेज, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से चलना है, मैंने इतना सारा पेन इसलिए चलाया ताकि मेरी बात तुम तक पहुंच जाए, वरना अगर एग्जाम में ये करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे 240, फिर हम ए बी सी लिखेंगे एक दिन का काम, तो मैं ऐसा करूँगा 12, 15 और 8, फिर मैं देखूँगा अच्छा कि ये दोनों, ये एक दिन का काम है ऐसे ए बी सी के ऊपर लिख लूँगा एग्जाम में, फिर मैं देखूँगा अच्छा 27, एक दिन में दोनों 27 करते हैं, 4 दिन में 108, और फिर रिमेनिंग काम ये माइनस करें तो 132 हो गया, और सी ने करना है 8 डेज, पर डे 8 डेज करता है तो 8 से डिवाइड करा 66, 33, 16.5, जैसा था इतना पेन चलेगा, और मैक्सिमम 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कोफिशियंट ऑफ वाई इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है बिना पेन चलाए हो सकता है, पेन चला चला के तो सभी कर लेंगे। कोफिशियंट का मतलब समझ लेते हैं, कोफिशियंट मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है कि 3y³ + 2y² - 5y⁴ + 6y, अब मुझे कोफिशियंट निकालना है, कोफिशियंट ऑफ y की पावर 4, तो कोफिशिएंट का मतलब है y की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो y की पावर 4 ये रहा, y की पावर 4 उसका कोफिशिएंट यहां पर क्या है -5, कोफिशिएंट ऑफ y निकालना होता तो 6, कोफिशिएंट ऑफ y² निकालना होता तो 2, कोफिशिएंट ऑफ y³ निकालना है मतलब 3, तो यहां पर ये जो पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ y मतलब y के साथ मल्टीप्लाई में जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये पूछ रहे हैं। अब इसमें एक और बात है कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न होने चाहिए, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab और (a-b), अब इसमें a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें तो y का कोफिशिएंट चाहिए, तो बाकियों को इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, हमें जहां पर y मिलने वाला है उसको इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए अब a³ ये a हो गया और ये b हो गया, a माइनस बी का a³ में 2y का क्यूब आ जाएगा तो y³ आ जाएगा, तो उसको क्यों इंपॉर्टेंस दे, तो a³ को मैं एक तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ, -b³ ये तो 125 आ जाएगा, इसमें तो y है ही नहीं, इसको भी मैं एक तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे पास अब जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पर y आएगा, हालांकि
जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो क्या कर सकता है, इसमें भी पेन नहीं चलाएगा और बिना पेन चलाए कर सकता है। तो 3AB, 3 इंटू मतलब 2y इंटू 5, वो डायरेक्ट देख सकता है ना, 3 6y इंटू 5 30y, डायरेक्ट 30y लिख सकते हो इसके जगह। और ब्रैकेट में क्या आ जाता है, a माइनस बी, वापस वही आ जाता है 2y माइनस 5। अब देखिए ये जो 30y है इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो y स्क्वायर आ जाएगा, y की y से मल्टीप्लाई की y स्क्वायर, हमें तो y का कोफिशियंट चाहिए, कोफिशियंट ऑफ y, तो y स्क्वायर को भी इग्नोर करो, आप केवल इससे मल्टीप्लाई करो बस। ये 30y है ना, इसको पूरा लिख लेता हूँ, 30y इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 150y। तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या आया, 150, तो हमारा आंसर होगा 1। प्लस माइनस में भी देखिए गड़बड़ हो गई तो फिर आंसर गलत हो जाएगा आपको, तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पूरा आइडिया होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ये बिना पेन चलाए ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है और आपको अपनी स्पीड को जबरदस्त बढ़ा देना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि स्पीड जबरदस्त बढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ये 1/9th रूट निकालना है। 1/9th रूट का मतलब पहले समझ लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब है 25 की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 पावर का मतलब सेकंड रूट निकालना है, ठीक है। और सेकंड रूट का मतलब हमारे पास इसका सेकंड रूट क्या आ जाएगा, इसका सेकंड रूट आ जाएगा 5, ठीक है। मतलब नंबर हमारा पेयर में है, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि 5 इंटू 5 दो बार है तो 1/5 बाहर आ जाएगा। और अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, मान लिया 125, इसको हम क्या बोलते हैं, 125 की पावर 1/3, ठीक है। तो थर्ड रूट या क्यूब रूट, इसका मतलब है उसके फैक्टर्स करने, 5 है 3 बार तो वो क्या रह जाएगा, केवल 5, तो 125 की पावर 1/3 रह जाता है 5, इसका मतलब है थर्ड रूट। और अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लिया 81 का 4th रूट निकालना है, 81 का 4th रूट का मतलब, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 81 की पावर 1/4, इसका मतलब होता है 4th रूट। और 4 जैसे स्क्वायर रूट में पेयर में नंबर होते हैं, 2 नंबर 1 बन जाते हैं बाहर आके, क्यूब रूट में 3 नंबर होते हैं, तीनों बाहर आके सिंगल बन जाते हैं, ऐसे ही 4th रूट में कोई भी नंबर होंगे वो 4 होंगे, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 है तो वो 1 ही 3 रह जाएगा, तो 4th रूट ऑफ 81 इज 3। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर 9th रूट का मतलब है कोई भी नंबर होगा 9 बार होगा, वो बाहर आके 1 बन जाएगा सिंगल। तो यहाँ देखें तो 8 में 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ भी 3 बार 2 है, अभी डेसिमल परसेंटेज को मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ, तो यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर भी 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है, तो टोटल मिला के 2 कितनी बार हो गया, 9 बार। अब उसका 9th रूट, 1/9 का मतलब ये 1/9 है, ठीक है, ये 1/9 है, तो हमें बताना है 9th रूट। तो अब हमारा जो है 9th रूट जब किसी नंबर का निकालना हो, तो कोई भी नंबर अगर 9 बार है तो वो सिंगल आ जाता है, तो 2 तो 9 बार है ना यहाँ पर, तो वो सिंगल 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 क्योंकि 9 बार है, जैसे यहाँ पर 5 3 बार है तो बाहर आके सिंगल 5, 2 है 9 बार क्योंकि 9th रूट निकालना है, तो सिंगल 2। उसके अलावा डेसिमल प्लेसेस गिन लेते हैं, डेसिमल के 2 प्लेसेस, डेसिमल के 3 प्लेसेस, डेसिमल के 5 प्लेसेस हो गए, और परसेंटेज की वजह से अपॉन 100 आएगा तो डेसिमल के 2 प्लेसेस और हो जाएंगे, डेसिमल के 7 प्लेसेस, एक और परसेंटेज है डेसिमल के 9 प्लेसेस हो जाएंगे टोटल। और ये भी हमने डिस्कस करा था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, डेसिमल पहले 25 इसका निकालना है तो 25 का हो जाता है 5, और डेसिमल के 2 प्लेस का डेसिमल के 1 प्लेस में आंसर आता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, अगर मेरे पास होता है ऐसा ऐसा तो पहले मैं क्या करूंगा, 25 का तो 5 ही लिखूंगा, डेसिमल के 4 प्लेस हैं तो डेसिमल के 2 प्लेस रह जाएंगे स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, तो इसका स्क्वायर रूट ये होगा। अब ये डेसिमल के 9 प्लेसेस हैं तो डेसिमल के 1 प्लेस में आंसर आएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बिना पेन चलाए कर सकते हैं। तो ये जो मैंने समझाया, थोड़ा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, डेसिमल के 4 प्लेस है तो डेसिमल के 2 प्लेस में रह जाएगा, डेसिमल के 6 प्लेस है तो डेसिमल के 3 प्लेस में, मतलब अगर मेरे पास ऐसा कुछ है स्क्वायर रूट सेकेंड रूट है, ठीक है, या मैं अगर बोलूं थर्ड रूट, ये तो फिर परफेक्ट क्यूब लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ही है चलो, तो इसका स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है तो पहले 441 को देखूंगा, 441 होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ 21 का स्क्वायर। अब ये डेसिमल के 6 प्लेस है तो डेसिमल के 3 प्लेस में आंसर आएगा, तो ये डेसिमल के 3 प्लेस में लिखना है तो इसको ऐसा लिखूंगा,
तो ये थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है आपको, समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, अ पर्सन हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, ही फाइंड्स दैट ही हैज कवर्ड 5/6 ऑफ अ डिस्टेंस। अब 30 का 5/6, बिना पेन चले आपको देखना चाहिए कि 30 किलोमीटर का 5/6 पार्ट कितना होता है, 6 5 30, अब 5 5 25, तो 5/6 इसका होता है 25 किलोमीटर। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करा, बिना पेन चले आपको नजर आना चाहिए कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस, 5/6 करना है ना 30 का, बिना पेन चलाए जो कर पाएगा, बेसिकली सिलेक्शन उन्हीं का होने वाला है। आपको हैबिट डालनी है कि आप बिना पेन चलाए ज्यादातर चीजें कर पाए, और कितना टाइम, क्योंकि इतना किलोमीटर हमें निकालनी है स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो मिल गई, टाइम हमें कैसे मिलेगा, टाइम हमें दिया हुआ 3 घंटे और 20 मिनट, यूनिट सेम होनी चाहिए किलोमीटर आर में, तो पूरे को आर में कन्वर्ट करेंगे, 3 आर + 20 मिनट का मतलब बिना पेन चलाए समझ में आना चाहिए। इसे आर में कन्वर्ट करना है 1/3 आर, क्योंकि 1 आर में 60 मिनट होते हैं, तो जैसे 30 मिनट है, 30 मिनट को हम क्या बोलेंगे, 30/60, हम बोलेंगे आधा घंटा आर में, हाफ आर, 60 से डिवाइड करते हैं ना 30 मिनट को, तो हम बोलते हैं हाफ आर। तो सेम उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये 10/3 आर, तो ये टाइम हो गया 10/3 आर। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बिना पेन चलाए करना है कि डिस्टेंस अरे 25 होगी, और डायरेक्ट आपको देखना चाहिए जो 3 आर 1/3, तो 10/3 हो गया, तो 10/3, और ये 10/3 ऊपर जाके 3/10 हो जाएगा, 5 2 जा और 5 5 जा, 15/2 7.5, तो हमारा 7.5 हो गया, सेकेंड हमारा आंसर हो गया। जो भी क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करे, बस आपको ये ध्यान रखना है ब्रेन का यूज ज्यादा से ज्यादा करें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पेन का यूज कम से कम करें, जितना कम पेन चलाएंगे उतना आपकी स्पीड बिल्ड होगी। प्रैक्टिस करते हुए घर में पेन चला चला के आंसर ना निकालें, बस ये आपको ध्यान रखना है। आपकी स्पीड 1 महीने तक अगर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, 1.5 महीने तक 2 महीने तक लगातार आपकी स्पीड बिल्ड होती जाएगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में ये सारे क्वेश्चन CPO, ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस CPO के एग्जाम में आए हुए हैं, Tier 1 में। ये सारे क्वेश्चन हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो पहले SSC के एग्जाम में आ चुके हैं, SSC CPO के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।